बुराई से बचाना मेरे अल्लाह, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। अपने बड़ों से मैंने सुनी है ये कहानी, रहता था किसी शहर में एक ऐसा भी इंसान जो नाम का मुस्लिम था मगर काम का शैतान। लोग उसे कहते थे जल्लाद सितमगर, मासूम की फरियाद का उस पे न था असर। जो वादा उसने कर लिया वो करके दिखा, पैसों के लिए कत्ल किए खून बहा, एक दिन वो बहता खून असर उस पे कर गया, इंसान जिंदा हो गया शैतान मर गया। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। पापा, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? पापू, तुम आ गए पापू? बापू। मुन्नी, देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया। गुड़िया? बापू, करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए। ईमान? ईमान क्या होता है आपा? ईमान जिसे कहते हैं फरमान खुदा है, कुरान के हर लफ्ज में उसकी ही सजा है। अल्लाह ने बख्शी है जो ईमान की दौलत, ये सबसे बड़ी चीज है इंसान की दौलत। इस नूर से बनते हैं संवरते ही मुकद्दर, जो सबसे प्यार करता है इंसान वही है, मुस्लिम है वही साहिब ईमान वही है। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। अगर किसी ने बुरा काम करने का वादा कर लिया हो और वो उस काम को ना करे तो क्या वो बेईमान कहलाएगा? जिस काम के करने पे ना हो राजी कोई दिल, वो काम भी इस दुनिया में नफरत के है काबिल। जो कुछ भी ज़ुबान कह दे वो इकरार नहीं है, लग्ज़िश है लबों की वो गुनहगार नहीं है। करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। आपा, एक गुनाहगार अल्लाह की नजरों में सुर्खरू कैसे हो सकता है? जो सच्चे दिल से करता है ईमान की आरज़ू, अल्लाह की नजरों में वो होता है सुर्खरू। ईमान में क्या क्या न सहा प्यार नबी ने, ऐसी मुसीबत भी उठाई है किसी ने।